हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकू झा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग सुबह सुबह अभी 5:30 हो रहा है। बात कर लीजिए, 5 बजे 5 भी नहीं बजा, सोचिए। तो अभी से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इतना सुबह सुबह 5 बजे रोड पे क्या कर रही है। तो अभी जस्ट हम लोग पटना से आ ही रहे हैं। हम कान को दिखाने के लिए गए थे, वट सावित्री व्रत करके ही गए थे। उसी दिन शाम में नाइट से निकले थे और आज कल के नाइट से फिर रिटर्न हो गए। तो हमको वहाँ पे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हम कम टाइम के लिए गए थे। सोचे थे कि ऋषभ को लेके आएंगे। हाँ, उन्हें अच्छी लागल झोला, हाँ तो लेके आएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे धूप बहुत था, गर्मी बहुत था, तो वहाँ पे रुके नहीं। इस सबको फिर बोल दिए कि तुम चले आना, हम जा आ गए पटना। ऐसा बोलता है, पटना में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुके। बोले कि अपने फ्रेंड को, सब जनकपुर का उसका कुछ फ्रेंड था, जिन लोग को आना था सब साथ में टिकट लिए थे, तो वो लोग आ रहे हैं। पापा के बजाय हम सोचे कि चलो हम अपना चले जाते हैं, आगे से जाएंगे तो उसके लिए खाना बना के रखेंगे। और अगले बार बोला था ऋषभ कि मम्मी आप मुझे लेने के लिए आई हो, तो अब साथ में ही जाएंगे, तो फिर हम खाना बना कर, हमको भूख लगा रहेगा तो बाहर का ही फिर खाना पड़ेगा, और आप रहती घर पे तो घर का खाना तो बनता। इसलिए मैं सोची कि चलो भाई अपना वो आएगा फ्रेंड लोगों के साथ, मैं आगे से जाके और खाना भी बनाऊँगी ऋषभ के लिए, घर पर सब साफ सुथरा करके रख लूँगी, क्योंकि एक दो दिन भी घर बंद रहता है तो कितना गंदा हो जाता है। तो शिवम बाबू भी काम करेगा, करेगा ना तू भी काम, इसको भी काम करना है। तो देखिए कितना अच्छा जगह है, देखिए पूरा खुला, हम लोग बॉर्डर के पास हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग रुके क्यों यहाँ पे, तो 3:30 बजे ही बस रोक देता है यहाँ पे, नाइट बस होता है ना, 3:30 बजे रोक देता है, बॉर्डर खुलता है 6 बजे, तो हम लोग तक यहाँ पे रुके रहते हैं। आज मैं सोची कि आज मैं क्यों ना यहीं से ब्लॉगिंग करूँ, नहीं देखे थे लोगों सब, बट पगला तोरे नजर पे लेके लो हम तक खाने की बहुत अच्छा जगह था। सोचे रुके, कैमरा बैक करके दिखाते हैं आप लोगों को, वो हमारी बस है। खुला हवा मिल रहा है बाहर, यहाँ पे हम आंटी को बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए, चाय बिना तो हमको बनने वाला है नहीं। तो ये देखिए आंटी बना रही है चाय, और ये देखिए ड्राइवर सोए हुए यहाँ पे, पूरा रात ये लोग जाके गाड़ी चलाते हैं, आते हैं यहाँ पे थोड़ा देर सोते हैं। आंटी चाय बना रही है, तब तक हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। गाइस, चाय का भी जुगाड़ लग गया और आप पानी का भी जुगाड़ लग गया। हम सोच रहे थे कि पानी उसे तो पानी दिख रहा था ना उसके पास, लेकिन नहीं, हमको काला पानी पी ला ला ला। ए तू वहाँ ले लो, तू पकड़ ले, नहीं 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 तू पी पाए हम चला दे। मैं तो थोड़ा बहुत सोई भी हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं सोया बेचारा, थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो बहुत सोई हूँ। पूरा बस खाली आ रहा था, बस 15 पैसेंजर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं था। हम सोचे कि तब तक हम, एक सीट हमको खाली कर दिया गया, तो उसी पे पैर वैर मोड़ के सो गए, और ये और इसके पापा दोनों जागे हुए थे। जूता भी भेजो। चाय कैसा है? चाय तो वैसे मौके पे मिला तो मैं चाय का बुराई तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं मीठा चाय नहीं पीती ज़्यादा, मुझे एकदम फीका चाय चाहिए।
मुझे फीका चाय ही पसंद पड़ता है, थोड़ा सा भी मीठा हो जाता है ना तो फिर वो मेरे गले के नीचे नहीं जाता। लेकिन एन मौका पे चाय मिला ही बहुत बड़ी बात है। अभी दुकान कहीं पे भी नहीं खुला हुआ है, सब बंद किया हुआ है। यहाँ पे ड्राइवर साहब सोते हैं तो इसीलिए जगह खोल दिया जाता है, दुकान खोल दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, अच्छा आप लोग भी आइए चाय पीने। ये चाय नहीं नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप जो लोग मीठा पीते होंगे उसके लिए बहुत बेस्ट चाय है। हम लोग बेरोजगार की तरह बैठे हुए हैं। ये जनाब बस में बैठे हुए थे, लेकिन गर्मी इतना है ना, इतना गर्मी है ना कि नहीं बैठा, कहीं बैठा ही नहीं जाता। अभी भी बाकी है। वैसे गाइस हम लोग का ये हालत हर बार रहता है, जब जब हम आते ना पटना से नाइट बस से, तो यही हालत रहता है। बॉर्डर खुलने वाला है, प्रॉब्लम रहता है। जो सब बस में थे, बाकी बस में ही है और हम लोग बाहर बैठे हैं। कोई बात नहीं, 6 बजने वाला है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब निकल के जाएंगे यहाँ से, तो फिर मैं जाऊँगी। 1 घंटा लगेगा जनकपुर पहुँचते, है ना शिवम? 1 घंटा बाद फिर जाऊँगी, तो जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। 10 बजे तक ऋषभ भी पहुँच जाएगा। पनीर नहीं, सिंपल खाना बनाऊंगी। शिवम ऋषभ बोला है कि सिंपल खाना बनाने को, आज उसी के पसंद का नहीं, 20 दिन तक जब तक वो रहेगा तब तक उसी के पसंद का खाना बनेगा, उसके बाद इसका पसंद रहेगा। वैसे इसका भी पसंद बनेगा, दोनों का पसंद मिलता जुलता है। अब बात यह है कि वो हरी सब्जियां नहीं खाते कुछ भी, वो जब तक आलू का ही सब्जी खाएगा और कुछ नहीं, दाल चावल आलू का चटनी, आलू का भुजिया, वही कुछ। आलू को भी पसंद उसको, मटर को भी। हाँ नहीं, बाद में कहीं हम बात सामान सब चटनी पूछते। हाँ चटनी नहीं हुआ आप लोग, चटनी नहीं, आलू का चोखा 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 चटनी, ये भी मेरे चटनी समझ गए होंगे ना आप लोग भी, आलू का चटनी चोखा और कुछ बोलते हैं तो वो। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 6 बजने वाला है। अब जनकपुर में मिलते हैं, हम अपना बस दिखा देते हैं। देखिए इस बस में बस आधा बस ही लोग भरे थे, आधा बस बड़ा खाली था। हे गाइस, तो हम घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचने के बाद घर की साफ सफाई, एक दिन भी बंद घर रहता है ना तो इतना धूल मिट्टी पड़ जाता है ना। वैसे भी जाते टाइम मैंने जल्दबाजी में मैं गई तो थोड़ा सा घर फैला हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरा व्रत सावित्री का पूजा था, उसी के शाम को मैं निकली थी, तो बहुत ज़्यादा घर का हालत पंचर हो गया था। फिर मैं आई आज, तो सबसे पहले मैंने घर की सफाई की, बेड वेड सब कुछ मिलाया, क्योंकि शिवम को और उसके पापा को दोनों को बहुत नींद लगी थी, उन दोनों का आँख एकदम लाल हो चुका था नींद से। मैं पूरे रात सोई, और मेरी रखवाली करने के लिए दोनों बाप बेटे जगे हुए थे, और मैं आराम से सोई, मैं पूरे रात सोई। मैं बस में या किसी भी ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, हर जगह सो जाती हूँ मैं, कहीं भी जाती थी। तो यही हुआ कि आज भी सोना पड़ा, मुझे नींद बहुत लगी हुई थी। बस ऐसे से हिलता है ना तो ऐसा लगता है कि भगवान मुझे लोहड़ी सुना रहे कह छोड़िए वो बात सब। फिर मैं आई, मेरे बेटे के लिए खाना बनाया, क्योंकि मैं आई, मेरे बाद उसके आने का टाइम हो गया है, क्योंकि जब मैं जनकपुर पहुंची तो मेरा बेटा चला आया था मुजफ्फरपुर, और बोला कि मम्मी जल्दी जल्दी खाना पका के रखो। तो मैंने सब्जी, चावल, आलू फ्लावर की सब्जी और चावल दाल ये सब बना के रखा है। सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि अब मेरा बेटा कब आएगा। आज मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी, वरना मैं नहाते कुछ खा लेती हूँ। अभी मैं बहुत देर उसका वेट कर रही हूँ, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जितना भी रिक्शा आता है ना, मुझे लगता है कि उसमें वही बैठा होगा। और ये दोनों बाप बेटी एकदम खर्राटे लेके सो रहे हैं। ऋषभ के आने पे शिवम का प्रेम देखिए। शिवा
उसका आंख नहीं खुल रहा है, लेकिन भाई की भी नवाब रे, रात से वो बार बार इंतजार कर रहा, भाई जी कहाँ आ गया होगा, कहाँ आ गया होगा, फाइनली आ गया। बहुत दुबला हो गया है। ठीक है गाइस, मम्मी रूठी है, मतलब आते ही मेरा बाल कटा दिया एक, तो ये इतना 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 छोटा भी करा दिया, फिर भी बात मुझे बोलने दे। मैं आप लोग बताइए कि इसका ये बाल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये इतना बड़ा बाल था, इसके नाक के नीचे तक आता था, इधर तक आता था, अभी इधर तक नहीं आ रहा है। मैंने बस इतना ही कहा कि तू जब तक यहाँ पे है ना, तू मुझे अपना पूरा फेस देखने दे, यहाँ तक बाल आता था। अभी मैं बाल कटा के आया है, देखिए बाल कितना ऐसा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको मैंने आई है कि वो बोल दिया। और उधर का रोमांस देखिएगा, इसे ये दोनों देखिए। हाँ अभी मैं इसे नहीं बोल रही हूँ, मैं इसे अभी बोल ही रही हूँ, और ये ब्लॉग मेरा अभी यहीं पे मैं इसको खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा कि इसके साथ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरे को लग रहा है अभी इसकी बहुत खातिरदारी मुझे करनी है, तो ये ब्लॉग में बहुत लंबा जा रहा, तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में लग रहा है रात में सोऊंगा तो केस कटेगा। हाँ मेरे पास इतना वो कैंची होता है ना बाल काटने वाला, लंबा वाला है, उसके उससे ना इसका मैं पूरा सोए रात में इसका ना चोटी बना के इसको जड़ से काटूंगी इसका बाल में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।